वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने पैनासोनिक रोबोट के बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। आज मैं आप लोगों को मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। तो आइए हम आगे देखते हैं ऑप्टिमल मेंटेनेंस फॉर पैनासोनिक रोबोट। फ्रेंड्स, जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पार्ट नेम ऑफ द रोबोट्स, यानी कि जो मतलब मोस्टली हम लोग रोबोट यूज करते हैं लेकिन रोबोट के किस पार्ट का क्या नाम है वो हमको पता नहीं होता है। जो केबल है उसको कैसे रूट करना है, दैट मीन्स हाउ टू हैंडल द पावर केबल्स, डेली इंस्पेक्शन क्या क्या होना चाहिए एंड डेली इंस्पेक्शन टॉर्च के क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले पार्ट्स नेम्स ऑफ द रोबोट। अभी जो रोबोट है उसमें क्या क्या पार्ट्स है, तो इसमें देखिए टॉर्च है, सर्वो मोटर है, कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर के जो अंदर कार्ड्स है वो आप देख पा रहे हैं कि कार्ड्स में क्या क्या है, पावर कार्ड्स, सर्वो एम्पलीफायर, फंडामेंटल एक्सिस, वेल्डिंग पावर्स, आई एफ। इसमें जनरली क्या होता है कि हम जो अंदर जो कार्ड लगे रहते हैं, जो पीसीबीज रहते हैं, उसका नाम क्लियर नहीं है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके और आप अच्छे से हर एक पार्ट्स का नाम देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा से हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी आउटपुट्स फॉर केबल वायरिंग। फ्रेंड्स, इसका एक मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे दो इमेज है, टॉप में आप देख पा रहे हैं कि एक में स्ट्रेट केबल है और एक में राउंड केबल है। बेसिकली एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं वो केबल है जो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आप केबल को फोल्ड करके रखते हैं, जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 10 times एंड 5 times, तो इस केस में क्या होता है कि वहाँ पे एक जो फील्ड जनरेट करता है और वो प्रॉपर करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है कि स्पेटर बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, आपका वेल्डिंग क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। अगर आप केबल को सीधा रखेंगे तो आपकी वेल्डिंग अच्छी आएगी। बहुत सारे केस में क्या है कि हमारे बहुत सारे स्मार्ट प्रोग्रामर रहते हैं, टीचिंग करते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वेल्डिंग क्वालिटी इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसमें इस पैरामीटर को ज़रूर चेक कीजिए, हो सकता है कि जो उसका पावर केबल हो वो राउंड हो, इसीलिए अच्छी वेल्डिंग नहीं हो पा रही हो। अब अगला है अर्थ एंड ग्राउटिंग एंड केबल कंट्रोल्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो अर्थ है उसका कितना बड़ा रोल है। तो इन रोबोट के केस में आप जहाँ भी कनेक्टर डालेंगे तो बहुत सारे अर्थिंग के स्पेशल पोर्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पे अर्थ करना ज़रूरी है। जैसे कि नीचे यहाँ पे देखिए कोट में लिखा है, प्लीज़ मेक द श्योर दैट ईच केबल्स हैज नो लूजिंग डिसकनेक्शंस और डैमेज पार्ट्स, सी अबव एंड फाइंड द की पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, जो अर्थिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रोबोट के सेफ्टी के लिए भी और लॉन्ग लाइफ ड्यूरेशन के लिए, चाहे रोबोट पोजिशनर हो, टॉर्च के लिए यूनिट हो, सबको। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि वेल्डिंग टॉर्च एंड एक्सेसरीज। जो वेल्डिंग टॉर्च होते हैं उसमें उसके एक्सेसरीज क्या होते हैं, ये नॉर्मली आप देख लीजिए, वायर फीडर होते हैं, उसमें वायर रोलर होते हैं, टॉर्च होते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके और आप अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनक्रेज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।